के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए बिजली महंगी करने का फैसला एक बार फिर मौखर। वजीर आजम इमरान खान ने के इलेक्ट्रिक के मसाइल हल होने तक कराची को नेशनल ग्रिड से बिजली देने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम को के इलेक्ट्रिक से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग में बताया गया कि विफाकी हुकूमत ने नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली की पेशकश की है। के इलेक्ट्रिक का सिस्टम 720 मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं ले सकता, जबकि के इलेक्ट्रिक को 4500 टन फर्नेस ऑयल फराहम किया और मजीद 500 टन की पेशकश की है। इजलास में के इलेक्ट्रिक और हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर नजरसानी पर भी गौर किया गया, जबकि वजीर आजम ने कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत करते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक के मसाइल हल होने तक कराची को नेशनल ग्रिड से बिजली दी जाए। वजीर आजम ने कराची के सारिफिन के लिए बिजली महंगी करने का फैसला मौखर करने की हिदायत की, जिस पर विफाकी वजीर अमीनुल हक ने टैरिफ बढ़ाने के फैसले को मौखर करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वाज़ह रहे कि ECC ने के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए 2.79 रुपए फी यूनिट महंगी करने का फैसला किया था।